आज हमने बहुत अच्छी बात क्या कहें, किसी संत की भविष्यवाणी सुनी थी, किसी ने भविष्यवाणी की। आजकल एक बहुत बड़ी बातें आप सुनते होगे कि बड़ी, मतलब क्या एक बात सुनी होगी आपने कि जनसंख्या बहुत बड़ी हो रही है। सुन रहे हो, इसकी भविष्यवाणी सुनोगे? किसी संत की भविष्यवाणी है जो मिथ्या नहीं होगी, आने वाले समय में चरितार्थ होगी। आश्चर्य करोगे तुम लोग, इतनी बड़ी भविष्यवाणी की है उन्होंने। अब वो सत्य है कि नहीं, वो आगे भविष्य बताएगा, लेकिन उन्होंने जो भविष्य में पहली बार भविष्यवाणी की है, सबसे पहली बात तो ये समझ लो वो भगवान के परम भक्त थे, उड़ीसा के एक संत थे, उड़ीसा के एक संत थे। उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की हैं वो सब चरितार्थ हुई हैं। उन्होंने भविष्य जब बताया, भविष्यवाणियां की हैं, उनमें ये लिखा है कि आने वाले समय में कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी इलाज तक नहीं होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज तक नहीं होगा। और जो सूर्य दयालु है, सबको प्राण देता है, वो प्राण लेने वाला बन जाएगा। आप देखिए, सूर्य की किरणों से कैंसर होने लगा है। कई किरणें ऐसी होती हैं कि अगर वो बॉडी में कहीं प्रवेश कर जाएं तो वो प्राण लेने का कार्य करती हैं। मुझसे ज़्यादा साइंस पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। सूर्य के विषय में ऐसा कहा, जगन्नाथ पुरी के मंदिर के विषय में ये कहा कि बार बार वहां ध्वजा गिरने लगेगी, क्योंकि जगन्नाथपुरी की ध्वजा, मंदिर की ध्वजा कभी गिरती नहीं, वो गिरने लगेगी। अभी तो बाद में, पहले कुछ समय पहले पता चला उसमें आग लग गई थी, राइट। जगन्नाथपुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ भगवान को अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की है। आपको डराने वाली बात, बहुत बड़ी डराने वाली बात, जो शायद आप लोग मानेंगे नहीं, और तब तक नहीं मानेंगे जब वो तक वो स्थिति सामने प्रस्तुत न हो जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, उस भविष्य का वक्तव्य देते समय, ज़्यादा हम नहीं बोले, अभी आबादी कितनी है, है? ये तो हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की आबादी 6.5-7 अरब है। ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। कितनी? 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात, मतलब एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे, 30 से 40 करोड़ अगर आबादी रहेगी, 40 करोड़ समझ के चलें, तो 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे कीट पतंगे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा, पूर्णतः नहीं होगा, फिर भी 30 से 40 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से अकेले भारत में 30 करोड़ के लगभग लोग बचेंगे। अब वो 30 करोड़ बचेंगे कौन से? मजाक में मत लीजिएगा, प्रश्न ये है कि वो 30 करोड़ बचेंगे कौन से? वो 30 करोड़ वो लोग बचेंगे जो भगवान के कृपा पात्र होंगे। हाँ, जोर से बजाओ। जो लोग मरने वाले लोग कौन से होंगे? जो मांस भक्षी हैं वो मर जाएंगे, मदिरा पान करने वाले हैं वो मर जाएंगे,
जो संस्कृति का हरासमेंट करने वाले लोग हैं, जो रिश्तों का नाश करने वाले लोग हैं, वो सब मर जाएंगे। कहने का अभिप्राय है वो सब मरेंगे जिनके द्वारा धर्म को नुकसान हुआ है। अब आप कहेंगे तो बहुत बाद में होगा, उनकी कही हुई बात अगर मैं कह दूं तो 24 और 25 में ये सब होगा। अगर उनकी बात मैं कह रहा हूं तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे। मेरा इसमें कोई वक्तव्य नहीं है, इसमें मेरा कोई मत नहीं है। मैं तो किसी की भविष्य की, एक उड़ीसा के संत हैं जो जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त हैं, उन्होंने उड़िया भाषा में एक किताब लिखी है, भविष्य से संबंधित है, उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। अब इससे बड़ी बात और क्या सुनाऊं, बोलो, और सुनना चाहोगे? हाँ, क्या सुनना चाहोगे? अब सुनो, अगर 23, 24, 25 या 24, 25, 26 या 25, 26, 27 में ये सब होना है, मान ले के 99% नहीं होना, 1% मान ले होना है, तो आपको 150 करोड़ का है ये हमारा देश इस समय लगभग, इसमें से कितने बचेंगे? तो 120 तो यहीं तक जाएंगे। 120 करोड़ तो तुम्हारे देश में से जाएंगे, टिकट कंफर्म अगर उनकी भविष्य के अनुसार हो गई हो, भविष्यवाणी के अनुसार, तो 120 करोड़ों की टिकट यहां से कंफर्म है। बड़े बड़े मकानात, बड़ी बड़ी दुकानात, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े अधर्म, बड़े बड़ी ये सब चीजें किसके लिए? अब आप कहेंगे महाराज आपका क्या है? मेरा कुछ नहीं है, तेरा बहुत कुछ है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारी मौत कल ही हो गई तो वो 3-4 साल भी किसने देखे भाई, हमारी प्रलय तो आज ही हो गई, हम तो टिकट आज ही कंफर्म हो गया। इसलिए इन बातों को पहले तो ये सोचिए कल किसी ने देखा नहीं, दूसरे इस तरीके से सोचिए कि अगर वो समय आया तो हम 20-30 करोड़ में आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो क्या करें? आज ही निश्चय करें कि हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, भगवान मारे या बचाए, अगर मारेगा मरना भी पड़ा तो अच्छे बन के जाए ना, वहां मरना भी पड़ा, सपोज उस 120 करोड़ में अपन का नाम आ गया, लिस्ट में अपना टिकट कंफर्म है, तो कम से कम ऐसे तो जाएं कि ठाकुर जी का अच्छा उस बक्को बात के सुनने के बाद तुम सुधर गए थे, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके, अब तुमको जब समय अच्छा होगा तब भेजेंगे, तब तक तो हमारे पास रहो, कम से कम उस क्या बोलते गुड बुक्स में तो तुम्हारा नाम आए, लिमका बुक्स में नहीं, गुड बुक्स में, जो गॉड की गुड बुक है, गॉड की गुड बुक में तुम्हारा नाम आए, ऐसा कार्य शेष जीवन में करो, चाहे वो 50 साल बचाओ, चाहे 3 साल, चाहे 2 साल बचाओ, आज के बाद।